अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, ये देखें आज मैं यहाँ बनाऊँगी मैक्रोनीज़। मैक्रोनीज़ के लिए हमें यहाँ चाहिए बंद गोभी, शिमला मिर्च और गाजर, ठीक है। और इधर मेरे साथ पास है प्याज, और ये है मेरे पास चिकन, और ये है मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये है मेरे पास मैक्रोनीज़। मैक्रोनीज़ मेरी बॉयल हुई हुई हैं और मेरा चिकन भी बॉयल हुआ हुआ है, और ये बाकी सारी चीज़ें मेरे पास वैसे ही हैं। अब हम इधर बनाएंगे, तो इधर मैंने ऑयल ले लिया है देचकी में। अभी सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगी प्याज, ठीक है। मेरा ये ऑयल गर्म हो गया है, मैंने इसमें डाले प्याज, ये प्याज डाल दिए मैंने इसके अंदर, और मैं इसको अच्छी तरह ये थोड़े से ब्राउन करूंगी। ये थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे तो मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। ये देखें, ये मेरा प्याज थोड़ा सा ये वाइट वाइट हो गया, मतलब ये भूना जा रहा है। जब ये भूना जाएगा तो मैं इसके अंदर डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। देखें, ये मेरा प्याज हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, और अब मैं इसके अंदर ये फ्राई करूंगी, ये भी अच्छी तरह मिक्स करूंगी इसके अंदर। ये बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, ये देखें। अब मैंने इसको थोड़ा फ्राई कर लिया है, अब मैं इसके अंदर डालूंगी गाजर और शिमला मिर्च और बंद गोभी, तीनों सब्जियां डालूंगी। ये देखें, ये मैं इसमें डाल रही हूँ बंद गोभी। मैंने इसके अंदर बंद गोभी डाल दी थी, अब मैं इसमें डालूंगी शिमला मिर्च, और अब मैं इसके अंदर डालूंगी, और मैं अब इसमें डाल रही हूँ गाजर। अब ये देखें अब हम इन तीनों चीज़ों को ना मिक्स कर देंगे, अच्छे से इनको मिक्स कर देंगे। ये जब अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, इनको फिर हम ऑयल के अंदर ही फ्राई करेंगे, ठीक है। ये मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं अच्छे से, और ये देखें, ये सब्जियां मेरी खुद ब खुद पानी छोड़ रही हैं, ये खुद पानी छोड़ रही हैं। अब ये इन्हीं हमने इसमें कोई पानी नहीं डालना, और ये जब पानी इसका खुश्क हो जाएगा तो ये इसी पानी के अंदर हमने गला लेनी है, गल जाएंगी सब्जियाँ अच्छे से। ये देखें, इधर मैंने मैक्रोनीज ली हैं, ये मेरी बॉयल हो रही हैं, और इधर मेरा चिकन भी बॉयल हो रहा है। अब मैंने इनमें आधा थोड़ा हंसपे लाइट लाइट सा मैंने इसमें नमक डालना है, और मैक्रोनीज़ के अंदर मैंने नमक और थोड़ा सा ऑयल डालना है, ताकि मैक्रोनीज़ मेरी साथ ना जुड़े ना, जाके ना अगर जुड़ जाती है ना तो फिर वो अलग अलग नहीं होती। ये देखें, और ना चिकन है, चिकन के अंदर भी मैंने हल्का सा ना नमक डालना है, ताकि नमक के साथ वो चिकन ठीक रहता है, उसका टेस्ट थोड़ा ठीक हो जाता है, अच्छा मज़े का टेस्ट आता है। ये देखें, अब मेरा ये अच्छी से पानी खुशक हो चुका है, बस थोड़ा सा रह गया है, और बाकी ये मेरा इसके अंदर ऑयल है, क्योंकि मैंने ऑयल के अंदर प्याज ब्राउन किया था। जब ये मेरा हो जाएगा, अब मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा और हो जाए तो फिर हम इसके अंदर नमक और काली मिर्च डालें, ठीक है। ये देखें, अब मेरे पास ये है सोया सॉस, ये है सिरका, और ये मेरे पास है चिली सॉस। अब ये मैं इनमें से एक एक चम्मच, ये तीनों चीज़ें मैं एक प्याली में निकालूंगी, ये मैं डाल दूंगी उसके अंदर। अब हमें ये तीनों चीज़ें डालनी है। ये देखें, अब ये इसका पानी ड्राई हो रहा है। ये देखें, अब मेरी सब्जियों ने अच्छे से घी छोड़ दिया है, अब मैं इसमें डालूंगी चिकन। ये देखें, अब हम इसमें चिकन डाल रहे हैं, चिकन अच्छे से डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। ये मैंने इसमें डाल दिया चिकन, अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, ताकि सारा मसाला चिकन को भी लग जाए, ओके। ये थोड़ी देर ऐसे ही रहने दूंगी मैं। अब मैं इसके अंदर डालूंगी मैक्रोनीज। ये देखें, अब मैं इसमें डाल रही हूँ मैक्रोनीज। ये देखें, अब मैंने इसमें डाल दी है मैक्रोनीज अपनी सारी। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी, ताकि सारा मसाला हमारा है ना, जो वो मैक्रोनीज के साथ मैक्रोनीज को भी लग जाए, ताकि हमारा अच्छा सा टेस्ट आए इसका। अब मैंने इसको अच्छे से मैक्रोनीज को भी मिक्स कर दिया है, ये कितने प्यारी लग रही हैं, आप देख सकते हैं। अब मैंने
इसका टेस्ट भी, आप लोग अगर आप लोगों को मसाले के अंदर नमक मिर्च कम, लेकिन आपने थोड़ा सा उसमें ना तेज़ रख लेना है ताकि आप लोगों को फिर बाद में कम ना लगे। मैंने इसको अब चेक कर लिया था तो मुझे हल्की सी ना काली मिर्च कम लगी, तो ये देखिए मैंने इसके ऊपर डाल दी। आप ऊपर भी डाल सकते हैं, बाद में भी चेक कर सकते हैं, आप अगर काली मिर्च कम लगे तो आप डाल सकते हैं, मैंने डाली है तो ये बहुत अच्छा टेस्ट अब आ रहा है। अब ये बिल्कुल बन गई हैं, अब मैं इसको एक बाउल में यहाँ पे निकालने लगी हूँ। निकाल के अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अब मैंने ये एक बाउल में निकाल दी है और आप ये घर में ज़रूर ट्राई करें, और ये बहुत मज़े की बनी है। ये आप घर में जब ट्राई करेंगे आपको भी पता लगेगा कितनी मज़े की ये बनती है मैक्रोनीस। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।